टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज तिहाड़ जेल में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें मामले की जांच में जुट गई है। दो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। IPC की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज से मुलाकात की। बता दें कि योगीराज ने अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री यहां आलातूर और अतिंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे, वहां PM मोदी रोड शो करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को सबूत के तौर पर एक बाइक मिली है। बताया जा रहा है कि ये बाइक का रजिस्ट्रेशन पनवेल का है। शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमोल कीर्तिकर पर ईडी का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हैं। माड़ा सीट पर BJP के उम्मीदवार की घोषणा पर धैर्यशील पाटिल नाराज दिख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब पाटिल शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। BJP घोषणा पत्र को लेकर संजय निरुपम ने कहा कि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी महज आलोचना के लिए आलोचना करती है, सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध करती है। मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर मुद्दे का हल नहीं निकला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। ग्लोबल बाजारों से तनावग्रस्त संकेतों के चलते भारतीय बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है, लेकिन FII के सामने DII का सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। गुजरात के कारोबारी भावेश भंडारी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति दान कर संन्यास का फैसला लिया है। IPL 2024 का मैच नंबर 29 चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई ने 20 रनों से जीत अपने नाम की। चेन्नई के खिलाफ मैच के जरिए रोहित शर्मा ने T20 करियर में 500 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित यह आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय और ओवरऑल 5वें बल्लेबाज बने। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हार का सामना करना पड़ा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने KL राहुल की टीम को 8 विकेट से हराया। साउथ इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन सौंदर्या जगदीश की सुसाइड की कोशिश के बाद मौत हो गई है। रविवार को बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री कृति सेनन अचानक वाराणसी पहुंचे। दोनों ने वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। इसके अलावा दोनों सितारों ने वहां पूजा भी की। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले मामले में गिरफ्तार हुई BRS नेता की कविता को एक बार फिर झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। देश का आयकर विभाग ऐसे टैक्स पेयर्स और संस्थानों पर शिकंजा कस रहा है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में गड़बड़ी कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक पत्रकार को जवाब देते हुए कुछ ऐसा लिखा कि सभी की नजर इस पर टिक गई। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना चाहिए। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।